अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल का ऑल डाटा, ठीक है, आप अपने मोबाइल में ही रख के आप अपने फ़ोन स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं, जबकि ये डाटा आपका किसी भी और मोबाइल में और लैपटॉप में कंप्यूटर में, ठीक है, आप इजी से इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और इसके डिलीट होने का कोई डर नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप अपनी फ़ोन मेमोरी की स्पेस को फ्री कर सकते हैं, चाहे वो वीडियोस हों या पिक्चरें हों, ठीक है, आप बड़ी से बड़ी भी वीडियो को सेव कर सकते हैं इजीली। चलिए ये देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास मौजूद है अब ये ड्राइव है, कुछ मोबाइलों में ये मौजूद होती है और कुछ में ये डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डाटा अपलोड कैसे करते हैं हम। ये ड्राइव है मेरे पास मौजूद, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये कुछ फोल्डर हैं और कुछ पिक्चरें मेरे पास मौजूद हैं। आप इस तरह से इसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। डाटा सेव करने का तरीका क्या है, ये राइट साइड पे सबसे नीचे प्लस का साइन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शंस आ गई हैं, आपने सबसे पहले करना अपलोड। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके और ये आपका फ़ोन स्टोरेज का डाटा आ गया मौजूद है, ये पिक्चरें वगैरह, ठीक है, ये इमेज है और ऑडियो और वीडियो, ठीक है, सब कुछ आप सेव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सेव करने का तरीका क्या है, जैसे कि ये मेरे पास स्क्रीनशॉट पिक्चर है, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये अपलोड होना शुरू हो गई है, इसमें सेव होना शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास नेट की स्पीड अभी स्लो है, जिसकी वजह से ये अभी शो नहीं हो रही। और इस तरह से आप अपने डाटे को सेव कर सकते हैं और अपनी मोबाइल स्टोरेज से उनको डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि स्पेस बन सके आपके फ़ोन में। चलिए गूगल हम जाते हैं प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड करने का तरीका। गूगल ड्राइव लिखेंगे और ये सामने मौजूद हो जाएगी, मेरी अपडेट होने वाली है, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो रही है दोस्तों, अब मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास मेरा डाटा जो मौजूद था उसी में अभी तक मौजूद है, और ये अपने काफ़ी महीनों से मैंने अपलोड किया हुआ था और मैंने अपने फ़ोन से ये सब को डिलीट किया हुआ था, और ये किसी और कंप्यूटर में जीमेल के ज़रिए, किसी के मोबाइल में जीमेल के ज़रिए, ठीक है, मैं उसमें अपना डाटा ओपन कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी बस, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।